पहुंची नया व जन्नत के वर्क शॉप पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बीती रात ही जन्नत जुबेर पहुंच चुके हैं अपने वर्क शॉप पर। जैसे कि आपको पता है कि जन्नत जुबेर बहुत जल्दी अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड होने वाला है, जिसका नाम है नायाब बाय जन्नत जुबेर। सो गाइस, उसकी वर्क शॉप पर पहली बार जन्नत जुबेर पहुंची। जहाँ पर जन्नत पहुंची, जन्नत ने मुआयना किया कि क्या कैसे काम हो रहा है, कैसे कपड़े बन रहे हैं, क्या लोगों को पसंद आएंगे, क्या कस्टमर को पसंद आएंगे। बिकॉज जन्नत जुबेर ने बोला है कि बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ जन्नत बनाने वाली है। तो जन्नत जुबेर सभी कपड़ों, मतलब जो जो भी आए थे कलेक्शन, सभी को देख रही थी, जो बन गए, जो बनने वाले हैं, जिनकी अभी सिलाई विलाई बाकी है। आप देख पा रहे हो जन्नत जुबेर बोलती हुई भी नजर आई इस वीडियो में कि पहली बार जन्नत जुबेर अपनी खुद की वर्कशॉप पे गई और जन्नत बहुत हैप्पी नजर आ रही है। फेस पे दिखाई दे रहा है जन्नत की खुशी, कितनी खुश है। तो कोई हर किसी को खुशी होता है जब अपना बिजनेस स्टार्ट हो। जन्नत जुबेर तो फर्स्ट डे से, जब भी जन्नत से पूछा जाता था कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या बनना चाहती, तो जन्नत हमेशा से बोलती थी कि जन्नत बिजनेस वूमेन होती। तो आज फाइनली जन्नत का ये ड्रीम भी पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। बिकॉज जन्नत ने अपना ब्रांड तो लॉन्च कर दिया नायाब बाय जन्नत, बस उसको भी कलेक्शन आउट होना बाकी है। और जन्नत ने इस वीडियो में ये तक बताया कि इसी मंथ कलेक्शन आउट होने वाला है। जन्नत ने बोला कि जन्नत का बस चले तो अभी ही कलेक्शन आउट कर दे, लेकिन अभी वो कपड़े अच्छे से पूरी तरीके से बने नहीं है। अगर कस्टमर का ऑर्डर है तो जन्नत देंगे कहाँ से, तो इसलिए अभी वो बन रहे हैं। जिसको जन्नत जुबेर देख रही थी कि किस तरह कैसे बन रहे हैं, क्या ठीक बन रहे हैं, क्या जनता को, मतलब कस्टमर को पसंद आएंगे। सो गाइस, जन्नत पूरा ट्राई कर रही है कि बहुत अच्छा जाए। साथ ही जन्नत जुबेर के वर्कशॉप के आसपास भी जन्नत के कुछ फैंस, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे पहुँचे, जो कि जन्नत को हाई भी कहते हुए नजर आए। जहाँ पर जन्नत जुबेर पहले अपने वर्कशॉप पर पूरा घूमती हैं, सब कुछ तय करती हैं कि कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद जन्नत जुबेर उन प्यारे प्यारे फैंस के साथ फोटो भी क्लिक कराती है। और जाते वक्त जन्नत जुबेर ये भी बोलती है कि इसी मंथ आने वाला है नायाब बाय जन्नत का कलेक्शन, यानी कि इस मंथ वेबसाइट आउट हो जाएगी और आप लोग भी चाहो तो जन्नत का कलेक्शन ऑर्डर कर सकते हो। आप में से कौन कौन करने वाला है ऑर्डर, कमेंट सेक्शन में बताओ। और कौन कौन एक्साइटेड है और कौन कौन जन्नत के लिए बहुत हैप्पी है, बिकॉज जन्नत फाइनली एक बिजनेस वूमन बनने वाली है। अब हम जन्नत को बिजनेस वूमन भी कह सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं डेट कन्फर्म वाली कब पता लगेगी कि कौन सी डेट को कलेक्शन आउट होगा। बहुत सारे फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ईद के दिन भी जन्नत अपना कलेक्शन आउट कर सकती है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। ईद को भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 102 दिन बाकी है ईद में। तो देखने अब क्या होगा, कब कलेक्शन आउट होगा। जन्नत ने इतना बोला है इस मंथ आउट होगा। कमेंट बताओ आपको क्या लगता है, ईद पे आउट होगा जन्नत का कलेक्शन या कब हो सकता है, और कितना एक्साइटेड हो आप लोग जन्नत के कलेक्शन को देखने के लिए, और जन्नत के लिए कितने हैप्पी आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और जन्नत के अपडेट मानेंगे, जन्नत को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।